दोस्तों अभी से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि इंडिया के अंदर बेस्ट सीमेंट कौन सी है, लेकिन उस पर मुझे व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे कई मैसेज आए कि आप तो बस बता दीजिए कि कौन से कंपनी की सीमेंट अच्छी है। लेकिन वहाँ पे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने काम के हिसाब से सीमेंट का यूज करना चाहिए। जहाँ पे PCC यूज होना है वहाँ पे PCC यूज करिए, जहाँ पे OPC होना है वहाँ पे OPC यूज करिए। लेकिन बहुत सारे लोग डायरेक्टली ब्रांड का नाम जानना चाहते हैं कि आप तो बता दीजिए इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट सीमेंट कौन सी है, मैं वही सीमेंट लेके अपना घर बना लेता हूँ या फिर जो भी बना रहे हैं वो बना लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे यही गलती होती है। अब बताने को तो मैं बहुत सारे ब्रांड यहाँ पे बता दूँ, मेन चार ब्रांड आज आपको बताऊँगा भी कि कौन से बेस्ट सीमेंट हैं, और भी ब्रांड के बारे में बताऊँगा। लेकिन आपको बता दूं कि आपको अपने काम के अनुसार ही सीमेंट की चॉइस करना चाहिए। अगर आप बीम कॉलम या फिर ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जहां पे लोड आ रहा है तो आप OPC सीमेंट का यूज करिए। लेकिन जहां पे आपकी वर्केबिलिटी है, जैसे कि सीमेंट का प्लास्टर हो गया, वहां पे लोड नहीं आता है, ठीक है। टाइल्स जहाँ चिपकते हैं तो टाइल्स पर ज़्यादा लोड नहीं आता है, जितना छत का लोड आएगा उतना टाइल्स पर थोड़ी लोड आता है, तो वहाँ पे आप PCC यूज कर सकते हैं। इस तरह मैंने बहुत ही डिटेल में आपको वीडियो में बताया है और दो तीन वीडियो भी कर चुका हूँ इन्हीं चीज़ों के ऊपर। अगर आपने नहीं देखे तो वो जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के अंदर बेस्ट ब्रांड कौन से हैं और कितने ब्रांड हैं इंडिया में जो कि बेस्ट हैं, सस्ते, सुंदर, टिकाऊ हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के रखी है। सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है अल्ट्राटेक। इसके जो रेट हैं वो 340 रुपये से लेके 360 रुपये तक पर बैग आपको मिल जाता है। सब जगह डिफरेंट रेट होते हैं क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो जाता है कहीं पे, कहीं फैक्ट्री के पास है तो ट्रांसपोर्टेशन रेट कम आता है, तो इसलिए उसमें फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। कहीं आप डीलरशिप से डायरेक्ट लेते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपको पर वैक जो है कम पड़ता है, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। फ़िलहाल इसीलिए मैंने आपको 340 से 360 बताया जो कि अल्ट्राटेक का आपको पड़ जाता है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैंने रखा है ACC सीमेंट को, जो कि आपको 310 रुपये से 330 रुपये तक में पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे मैंने रखा है अंबुजा सीमेंट को, जो कि 310 से 330 सेम ACC सीमेंट के उसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है JK सीमेंट है, जो कि महंगा होता है, 350 से लेके 380 रुपये तक आपको मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रेट हैं ये फिक्स नहीं होते हैं, ये सुबह शाम भी बदल जाते हैं। सुबह कुछ रेट होगा और शाम को कुछ रेट होगा, इसलिए जब भी आपको यूज करना है तो आप वहाँ शॉप पे जाके जहाँ से आपको ख़रीदना है वहाँ पे करंट रेट ले सकते हैं, ठीक है, तो वही असली रेट होगा। ये तो मैंने लगभग आपको बता दिया कि लगभग इतने के आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इन चार सीमेंट के अलावा और कितने ब्रांड हैं इंडिया में। पूरे ब्रांड तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतने ब्रांड हैं कि आपको मुझे भी पता नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं, मैंने भी इतने यूज नहीं करे हैं। मैन जो है ये चार सीमेंट ही यूज करते हैं मोस्टली ज़्यादा हमारी जो है साइट पर। तो मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ, जैसे कि आंध्रा सीमेंट आता है, अंजनी सीमेंट आता है, ब्रेक वैली आता है, और उसके बाद बर्नपुर आता है, डालिमा आता है, डेक्सन सीमेंट आता है, एवरेस्ट सीमेंट आता है। आपने अभी तक एवरेस्ट के मसाले सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे एवरेस्ट सीमेंट भी आता है। यहाँ पे गुज सीधी भी सीमेंट आता है, इंडिया सीमेंट आता है, जयप्रकाश सीमेंट आता है जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड है, JK लक्ष्मी भी काफ़ी फेमस ब्रांड है, TV पे ऐड आता है। तो बहुत सारे सीमेंट हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, मुझे तो नाम ही नहीं पता। और बहुत सारे मैन्युफैक्चर होते हैं, कुछ लोकल कंपनियां भी हैं, कुछ ब्रांडेड हैं, और जिनमें से जो कुछ थी तो मैंने बताई दी आपको, चार जो है इनको आप यूज कर सकते हैं, वही मेरा सजेशन रहेगा। फिलहाल जो आपने मांगा था कि आप बिल्कुल बता दीजिए कौन सा सीमेंट हमें यूज करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि इन चार में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।